अच्छी बेटी। ये हफीजा आंटी ने हमसे कमेंट किया था कि आप तो बोले थे अभी मेरी बहन की शादी है और अभी हम मतलब जानवर नहीं खरीद सकते, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दो जानवर जो मैंने आप कल वीडियो बनाई थी वो दोनों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बचपन की ज़िंदगी। कैसा आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह ताला हम सबको अपने इस ज़मान में रखे। आप जहाँ भी हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी गाय पहले इधर हमारे दरख्त के साथ बंधी थी, अभी आप देख सकते हैं उधर बांधी हमने, वो चारा खा रही। तो दोस्तों हम आपको कुछ बताना चाह रहे थे कि हमारी दो यूके वाली आंटी, उन्होंने हमें कमेंट किया था, मैंने एक वीडियो में अशार पढ़ा था तो उन्हें वो बहुत पसंद आया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरी मतलब मेरी वीडियो वो भी आप लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया, मुझे कमेंट करते हैं बहुत शुक्रिया। तो चलें दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी गायों की तरफ। हम पहले अपनी कलेजी वाली गाय खुल के उसको घुमाते आइए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी गाय, हम इसको घुमा रहे हैं ये बोल। अरे भाई ये फिर मेरे को टक्कर मारेगी, मेरे को वैसे बहुत डर लग रहा है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये हमारी कलेजी वाली गाय जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, बस वैसे ये बहुत शरीफ है लेकिन डर भी बहुत लगता है। दोस्तों जो हमने कल वीडियो में गाय दिखाई थी और ये वाली गाय जो है, ये दोनों हमें किसी ने गिफ्ट में दिए, मतलब ज़िबा करने के लिए और गरीबों में तकसीम करने के लिए। तो ये दोनों हमारी गाय, और वो जो आप देख रहे हैं पीछे सफ़ेद वाली जो है, पीछे पीछे वाली रोड की तरफ वाली, वो हमारे हिस्से मतलब खाला अम्मी ने हिस्से मिलाया है और गली में बहुत से लोगों ने हिस्सा मिलाया है। देखिए दोस्तों ये कितनी प्यारी गाय हमारी, अरे भाई इतना तंग नहीं करता है, चलो अब इसको घुमा लेते हैं। अरे दोस्तों देखिए आप पहले ये चल रही थी और घर पे सेट कर लिया, अब इनको पता है ना, अब इनको बांधना है जाके, इधर ही दरख्त से ही बांध देते हैं। नहीं नहीं आप पे इधर बकरी नहीं 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 उधर ही बांध देंगे, अब इसको तेज नहीं चलो इधर ही बांध देते हैं। चलो ठीक है मारेगी। देखे दोस्तों वो वाली हिस्से वाली और ये दोनों, चलो अब उस तरफ चलते, पागल हो गई है। मैं अपनी गाय घुमाई है कत्थई वाली, और आप देखें गाय के पास कितने सारे बच्चे हैं। दोस्तों देखे आज मौसम कितना अच्छा, मौसम इतना अच्छा हो रहा है अभी, और बूंदाबांदी भी हो रही है, बोलो हल्की हल्की अपनी गाय आप देख सकते हैं बाहर ही, और आज तो धूप भी नहीं निकली, और वैसे हम बकरियां बाहर ही बांधते सुबह बांधते हैं, लेकिन देखें अभी हमारी बकरियां अभी तक हमने बाहर ही बांधी है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ठंडी इसलिए, और अभी तक के ना धूप भी नहीं निकली है, तो मौसम अच्छा हो रहा है ना, निकलेगी अभी काली वाली बात हो रही है, हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है, तुम दुपट्टा नहीं पहन सकती। कल चांद आते और जोहा बोलने वाली थी, ये बोल दो दोस्तों कल चांद आते हम ना गायों को नहलाएंगे, फिर साफ सुथरा करके सुबह उनकी कुर्बानी करेंगे। और दोस्तों आपको पता है मुझे ना मीट ईद पसंद है, क्योंकि मीट ईद पे मिलते खर्ची मिलती है भाई, जाहिर सी बात है जब पैसे मिले तो वही ईद मजेदार होती है, लेकिन बकरीद भी अच्छी होती है क्योंकि इसमें गाय कटती है, इसमें गोश्त बटता है और बनाते हैं। सबसे ज्यादा ना मीठी इतना मजा आता है जी, उसमें अपने ईदी जमा हो तो अपने पैसों की कुछ भी खाओ, आइसक्रीम खाओ, बर्गर खाओ, चिप्स खाओ, छोले खाओ, जो भी दिल करे खाओ, उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। और बच्चों आप बताएं आप लोगों को क्या मजा आता है? बकराईद में ज्यादा मजा नहीं आता क्योंकि ना मेरी दाढ़ों में वो फंसते हैं, और ये देखे दोस्तों मेरी, वैसे भी दोस्तों देखे इनकी जब से खिड़कियाँ खुली हुई है, ईद भी अच्छी लगती, मीठी ईद भी अच्छी लगती है और बकराईद भी अच्छी लगती है। आप ही मेरे दालों में ना बहुत सारा गोश्त फल जाता है और ना निकाल नहीं जाता, निकालते हैं दर धोने लग जाते हैं और मेरे मसूड़े फूल जाते हैं।
वैसे दोनों ईद ही अच्छी होती है, लेकिन ना मीठी ईद पे पैसे मिलते हैं ना वो ज्यादा मजे की होती है, और उसमें मीठे मीठे खाने बनते कभी बिरयानी। मतलब वैसे बकरा ईद में मजे मजे के खाने मिलते हैं, और मीठी ईद पे पैसे मिले वो अपनी मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी खाना है खा लो, है ना। अच्छा हो रहा है ना, आप आगे भाग गए, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, गाय भी मजे से खाना पीना कर रही है। अमित भाई अपनी गायों से प्यार कर रहे हैं, गाय को घुमा रहे हैं, उठाओ खोलो खोलो, समझ समझ इसको भी तो खोलो। दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपनी दोनों गाय को घुमा रहे हैं, समझ इसको खोलो ना। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी गाय घूमने जा रही है, समझ इसको भी खोलो, देखे ये कैसे देख रही है। अपन दोनों पकड़े दोस्तों, देखिए वो वाली गाय इससे की है, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत शरीफ है। दो शरीफ तो कोई सारी है शरीफ। चलो समझ समझ थोड़ी देर के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी गाय, हम इसको घुमा रहे हैं दोबारा से गली के कोने तक, ये देखिए ऐसे करी जिससे बहुत गाय नहीं करती है। चले हम इनको घुमाते हैं, अब दोस्तों गर्दन नहीं घुमा। दोस्तों ये देखिए हमारी गाय इतनी प्यारी है, अब इनको हम इनकी जगह पे बांध रहे हैं, बांध दो थोड़ा सा घुमा के लाए, आ जाओ भाई पकड़ो जल्दी, घुमा के लाते ना, चलो थोड़ा सा आगे से अपनी गाय घुमाने लेके जा रहे हैं अपनी मस्जिद के कोने में, चलो इनको लेके चलो ना। चलो देखिए दोस्तों घुमा रहे हैं, सब बच्चे पीछे पीछे आ रहे हैं। तंग नहीं करो उसको, हटो आने दो, ये तो आ ही नहीं रही है, आएगी नहीं जब तक सफेद वाली नहीं जाएगी। जा रही है देखिए दोस्तों, अभी जा रही है, अब इसको बांध लो, खत्म करो, अब इसको बांध देते हमारी जानवरों की वजह से सारे बच्चे इधर जमा है, उनकी रखवाली करते रहते हैं, हर वक्त यहाँ पे बैठ के प्यार करते रहते हैं, कभी घुमाते भी हैं, तो हम भी अक्सर यहाँ पे आते हैं वीडियो बनाने के लिए भी। तो ये देखिए ये भी गाय हमारी, देखिए हम इनको प्यार भी करते हैं, ये हमें कुछ भी नहीं करते, लेकिन ज्यादा तंग करोगे तो शायद मारे भी, फिर है ना भाई। वो अच्छी बेटी ईद हफीजा आंटी ने हमसे कमेंट किया था कि आप तो बोले थे अभी मेरी बहन की शादी है और अभी हम मतलब जानवर नहीं खरीद सकते, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दो जानवर जो मैंने आप कल वीडियो बनाई थी, वो दोनों जानवर किसी ने हमें दिए तोहफे में, यानी गरीबों में पहाड़ियों पर मतलब तकसीम करने के लिए, और जो दूसरा मैंने आपको दिखाया उसमें खाला अम्मी का हिस्सा, उनकी नंदों का हिस्सा, हमारे गरीब मोहल्ले वाले सबका हिस्सा है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो आगे शेयर कर दीजिए। अल्लाह मार रहे, तो ये वाली गाय जो है ये हमें बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये टक्कर भी नहीं मारती, वो वाली है ये बहुत खतरनाक है, आपने अभी देखा ये कैसे हम इनको प्यार कर रहे थे, ये टक्कर मार रही थी। अरे शरीफ वरीफ नहीं है ये, यहाँ भू ऐसे डराओगे तो वो बेचारी ऐसी करेगी, कितनी लंबी गर्दन है ना इसकी ऊँट की तरह। जानवरों की कुर्बानी जो होती है वो क्या नाम है, मतलब उनके चारों हाथ पांव बांध के उनको गिरा के मतलब जीवा करते हैं, और जो ऊँट की कुर्बानी होती है वो मज़ेदार अलग ही होती है, क्योंकि हमने एक बार ऊँट की कुर्बानी देखी है हमारे पिछली गली में, हमारी हुई थी हिस्से में ऊँट आया था, वो भी जिससे हमने आपको दिखाया हिस्से वाली गाय, तो इसी तरह हिस्से वाला ऊँट भी आया था, तो हमने वो देखा था, मतलब वो बहुत खतरनाक होते हैं ना ऊँट, ऐसे गर्दन से पकड़ लेते इंसानों को, तो बहुत उससे जैसे ना बहुत संभल के उसकी कुर्बानी होती है, यहाँ से छुरा घुसाते हैं यहाँ से, और यूं करके मतलब जैसे कैसे निकलता प्रेशर में उसको खून निकलता है, जब वो गिर जाता है, जब उसके अंदर खून खत्म हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर छुरी फेरते हैं, वो वैसी जिबा हो जाता है शायद ऊँट। उस दिन ये हमारी जानवर हमारे जानवर आए थे, उस दिन भी हमने इनको नहलाया था, और कल चांद रात है, तो हम सोच रहे हैं कि कल चांद रात को भी इनको नहला दें,
वैसे तो देखिए साफ सुथरी है, लेकिन जिस दिन आई थी इस दिन हमने इनको नहलाया था। चांद रात को भी हम इनको कल नहलाएंगे, तो आपके साथ जरूर वो भी वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये है ये जो रो रही है लिजबा सिंह पर, दोस्तों आप देख सकते हैं रो रही है, इनके आंसू देखें आप, बेचारी आंखें भी लाल हो रही है, पानी भरा। क्या हुआ? दोनों गांव के सिंह बड़े, उस वाले के थोड़े छोटे। हमारी गली में चीज वाले अंकल आए, गुड़िया के बाल बोलते हैं, तो अभी हम उनसे गुड़िया के बाल खरीदते हैं। उसके अंदर 5,000 का नोट निकलता है, वो भी नकली, 1,000 का भी निकलता है, 10 रुपए का भी निकलता है। अंकल कितने का है? 10 रुपए का है। ले लो एक, कौन सा भी वाला खुद ही। कितने बजे यहाँ है? ये बड़ा नोट था, ये वो बड़ा था, 5,000 का बड़ा नोट है। चलो कोई बात नहीं, आते खाएंगे। दो मुझे पूछने की क्या बात है, लाओ दो। आप अपने मम्मा को पैसे दे के जाओ। चलो वो एक कर रखती हूँ, सारे गुड़िया के बाल मेरे 1,000 रुपए का नोट ज्यादा था, वो आप रख लेना, कोई बात नहीं। नहीं मैं गुड़िया के बाल रखी। इसमें देखो 5,000 का भी थोड़ा सा टुकड़ा आ रहा है, खोलो इसको, ये देख निकालो 1,000 का नोट। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ, आपकी गली में अगर गुड़िया के बाल वाला आया तो उसे 5 रुपए का बाल लें और 1,000 रुपए मुफ्त में लें। ये लो, वो भी नकली नोट है वैसे। दोस्तों ये देखिए, जोहा ने मुझे गुड़िया का बाल दिया है, ये तो मुँह में रखने से पिघल गया। हाँ थोड़ा सा बस। ये देखिए दोस्तों, ये लो एक मिनट दिखाना, आप ये लो सामान मेरी तरफ से, ये तुम्हारी पहले से। देखो मैं, चलो मैं अपनी गायों को सलामी दे देती हूँ। जोहा सबर हसन भाई, ये लो ये आपकी गायें, दोनों गायों की सलामी। 500 इसके, 500 उसके, और अगर उसको दूसरी हिस्से वाली में भी देना चाहे तो उसमें भी दे देना, कोई बात नहीं। हमारा काम देना था, आपका काम लेना था, बस मंजूर है। लेकिन मेरी कुछ भी नहीं, इसके ऊपर सवारी करवाऊं किसी को? मैं करवाऊं सामा, किसको? आमिर को, किसको बिठा देना, मोटे को बिठा देना, उसके ऊपर चांद बैठ गई। हमारी गाय ये जो बैठ रही है देखे, बैठा तो जा रहा नहीं है, इनको समझ ही नहीं आ रहा कैसे बैठूं। बाप बैठ ही नहीं रही हो, दोस्तों ये देखिए हमारी गाय बैठ गई है, अभी इसको लिटा दो, बस बैठे रहने दो ना, समझ लो लेटी हुई है। दोस्तों ये देखिए, ये भी एक गाय, इनको घुमा रहे अपनी गाय को, ये जैसे हम घुमा रहे थे अपनी गाय। अरे हमारे पास जानवर ही बच रहे, लेकिन मेरे मुंह से बार बार निकल रहे गाय गाय, तो बस आप इनको गाय समझ लीजिए। लेकिन चले अब यहाँ पे बूंदाबांदी शुरू हो गई है, अब आप हमें इजाजत दीजिए, अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। अगर आपको हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और बचपन की जिंदगी देखना मत भूलिएगा।